हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीरियड से पहले होने वाले ब्राउन डिस्चार्ज या फिर स्पॉटिंग के बारे में। अगर आपका पीरियड अभी ड्यू है, यानी कि अभी आने वाला है, लेकिन उससे पहले या फिर उसी ड्यू डेट पर ही आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर ब्राउन स्पॉटिंग हो रहा है और आपका पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, यानी कि आपका पीरियड भी मिस हो जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा महिलाएं कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कहीं ये प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है, या फिर कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हैं, या फिर उसको वो क्या समझे। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि पीरियड से पहले आपको ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है या फिर आपको ब्राउन स्पॉटिंग क्यों आता है। पहले तो आप ये तसल्ली कर लें कि ब्राउन डिस्चार्ज हार्मलेस होता है। अगर आपका पीरियड अभी ड्यू है, यानी कि आने वाला है, यानी कि ड्यू डेट ऑफ पीरियड से बिफोर या फिर पहले अगर आपको ब्राउन ब्लीडिंग होता है या फिर ब्राउन स्पॉटिंग होता है, तो ये बिल्कुल भी हार्मलेस होता है। मैक्सिमम केसेस में ये हार्मलेस होता है। लेकिन अगर अभी आपका पीरियड ड्यू नहीं है, यानी कि आपका अभी पीरियड नहीं आने वाला है, फिर भी मिडिल साइकिल में आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ब्राउन डिस्चार्ज हार्मलेस ही होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये ब्राउन डिस्चार्ज या फिर स्पॉटिंग के पीछे क्या कारण हो सकता है। इसको हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक है अगर आप प्रेग्नेंट है, दूसरा है अगर आप नॉन प्रेग्नेंट है, तीसरा है अगर आपका एज 45 ईयर से ज़्यादा है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। सो अगर आप अपना फर्टाइल पीरियड में रिलेशन में रहे हैं और अगर आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसके बाद आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूटरस के वॉल में चिपकता है, यानी कि इम्प्लांट होता है। तो जब वो इम्प्लांट होता है, वो आपके यूटरस को वॉल को थोड़ा खुरेदता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा यूटरिन ब्लीडिंग होता है, जो कि ब्राउन डिस्चार्ज के तौर में या फिर ब्राउन स्पॉटिंग के तौर में निकलता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, वो आपके पीरियड से 3-4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले आपको नज़र आ सकता है, और इसके बाद आपका पीरियड मिस हो जाएगा। तो अगर अभी आपका पीरियड आने वाला है, यानी कि आपके ड्यू डेट से पहले आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर स्पॉटिंग हो रहा है, तो आपको पीरियड डेट मिस होने के 4-5 दिन के बाद तुरंत ही एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेना चाहिए। अगर उस टेस्ट में आपको 2 पिंक लाइन आता है, तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है। ब्राउन डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको प्रेगनेंसी के दूसरे सारे लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर आपको नॉजियस लग रहा है, आपको फैटिग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है, आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहा है, तो अगर ये सब लक्षण भी आपको दिख रहे हैं, तो बिना देरी के पीरियड मिस होने के 3-4 दिन के बाद आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेना चाहिए। ये तो गया पहला कारण ब्राउन डिस्चार्ज होने के पीछे। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव निकलता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण ये है कि हो सकता है कि आपका यूटरस पिछले पीरियड में पूरी तरह से क्लीन आउट नहीं हुआ है, यानी कि थोड़ा सा ब्लड बच गया है। तो इस बार जब आपका पीरियड आने वाला होता है, उससे 1 हफ्ते पहले या फिर 3-4 दिन पहले पिछला जो ओल्ड ब्लड होता है वो निकलता है, जिसको कि आप ब्राउन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग बोलते हैं। ये गया पहला रीजन। दूसरा कारण है कि हो सकता है 4-5 दिन में आपका पीरियड अभी स्टार्टिंग होने वाला है, तो पीरियड स्टार्टिंग होने से पहले 3-4 दिन पहले भी ब्राउन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है, उसके 3-4 दिन के बाद आपका पीरियड खुल के जाता है। तीसरा कारण है ओवुलेशन स्पॉटिंग। कई बार आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस के वजह से, या फिर आपके डाइट के वजह से, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल के वजह से, या फिर आपका लाइफ पैटर्न चेंजेस होने के वजह से आपका ओवुलेशन डिले हो सकता है। तो जब आपका ओवुलेशन डिले हो जाता है, तो ओवुलेशन होते समय आपको थोड़ा बहुत ब्राउन स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है, जिसको कि हम ओवुलेशन स्पॉटिंग बोलते हैं। ओवुलेशन स्पॉटिंग जब होता है, आपको ब्राउन स्पॉटिंग के साथ साथ आपके पेट के बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ निचले हिस्से में थोड़ा बहुत पेन भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर हाल ही में आपका वेजिनल एग्जामिनेशन हुआ है या फिर आपने सेक्स किए हैं, वो भी इंटेंस तरीके से, तो भी इसके वजह से आपको ब्राउन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। सो ये था नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में क्यों ब्राउन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होता है। लेकिन अगर आपका एज 45 से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अभी आपका मेनोपोज स्टार्ट होने वाला है और अभी आप पेरी मेनोपोज फेज में हैं, यानी कि कुछ दिनों के बाद आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा।
तो पेरीमेनोपॉज स्टेज में भी आपको ब्राउन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। ब्राउन ब्लीडिंग और स्पॉटिंग के साथ साथ आपको और भी मेनोपोजल सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। आपको हॉट फ्लशिंग हो सकता है, आपको नाइट स्वेटिंग हो सकता है, आपका वेजेना ड्राई हो सकता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सारे नॉर्मल कारण होते हैं ब्राउन डिस्चार्ज या फिर ब्राउन स्पॉटिंग होने के पीछे। लेकिन कुछ सीवियर रीजन भी हो सकते हैं ब्राउन डिस्चार्ज या फिर स्पॉटिंग के पीछे। जैसे कि अगर आपको पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज़ है, यानी कि आपका सर्विक्स या फिर यूटरस में कुछ इन्फेक्शन है, या फिर अगर आपको एसटीडी है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जनरली आपको बहुत ज़्यादा वेजनल डिस्चार्ज होता है, आपका वेजनल फ्लूइड स्मेली होता है और आपको पेन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके यूटरस में या फिर सर्विक्स में या फिर वेजन में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन बॉडी रह जाता है, जैसे कि कॉन्डोम हुआ या फिर टैम्पून्स हुआ या फिर इंट्रा यूटेरिन डेविस का कुछ भी पार्ट हुआ, अगर वो रह जाता है तो इसके वजह से भी आपको फ्रिक्वेंटली ब्राउन डिस्चार्ज या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। और एक जो कॉमन रीजन होता है ब्राउन डिस्चार्ज या फिर स्पॉटिंग के पीछे, वो है पीसीओएस या फिर पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो अगर आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब है और आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इस केस में भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। जनरली पीसीओएस या फिर पीसीओडी में आपका पीरियड साइकिल बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होता है, आपके बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रो करने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा रहता है और इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कतें आती है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके ब्राउन स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग के पीछे पीसीओएस या फिर पीसीओडी रिस्पॉन्सिबल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर लिखिएगा। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।